Good morning, students. Today I will teach to you a surface area of volume of exercise 13.3 of our remaining questions. Question 6, given that the slant height and base of diameter of a conical cone are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its core surface area at the rate of 210 per 100 meter square. Okay. So now this is your slant height and this is your diameter. So how can find the radius? Radius equals to d by 2, that means 14 by 2, that is a 7 meter. Okay. So now we find the cost of whitewashing its chord surface area. Chord surface area. The chord surface area ka aapko whitewashing karane ka kharch jo hai itna per 100 meter square given hai. So first you find the chord surface area of a conical cone. ठीक है, तो कॉर्ड सरफेस सॉल्यूशन इन कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम उसको क्या होता है आई आर एल. ओके, एयर आर इज पाई 22 बाई 7, रेडियस 7 एंड स्लैंट हाइट 20. 25 plus 5 carry, तो ये कितना हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर. ओके, तो ये 550 मीटर स्क्वायर जो है इसकी कॉस्ट आ गई. ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. तो वाइट वॉशिंग का कॉस्ट क्या है तो आपको फाइंड करना है. तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग वॉशिंग ऑफ कोनिकल टॉम इक्वल्स टू ये एक मीटर स्क्वायर का 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है 210 है. तो एक मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 210 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर. ठीक है, इतना रुपीस एक मीटर का हो गया. तो आपको कितने मीटर का फाइंड करना है 555. ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, 21 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा जो कि इतना होगा. तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ कोनिकल टॉम इज 1155 रुपीस. ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन 7, given that a joker cap is in the form of right circular cone of the base of radius 7 cm and height 24 cm, that is the height, find the area of seat required to make a 10 such caps. Okay, तो ये आपको क्या दिया है, रेडियस दिया है, ये क्या है, हाइट दिया है, और आपसे ये पूछ रहा है कितनी सीट की रिक्वायर्ड होगी ऐसे हमें 10 कैप्स बनाने में. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि भाई सीट कितना लगेगा बनाने में, जितना कि उसका कॉर्ड सरफेस एरिया होगा. ठीक है, कॉर्ड सरफेस एरिया होगा वह उतना ही जो है आपको सीट की रिक्वायर्ड होगी. मतलब भाई उसमें मान लो ये कोन है, ठीक है, तो इसको उतना ही सीट रिक्वायर्ड होगी जितना कि इसका ये कॉर्ड सरफेस एरिया है. ठीक है, तो इस तरह से
हम ये पहले तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड वन कैप्स, ठीक है, एरिया हाँ एक चीज और कि हमें गॉड सर्फेस एरिया के बराबर सीट की रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए हमें एल की जरूरत होगी। तो पहले हम एल निकाल लेते हैं फिर उस चीज को देखेंगे, ठीक है। ये आपका स्लाइड हाइट एल होता है और मैंने एक रिलेशन बनाया था कि एल आर और एच में क्या रिलेशन होता है, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ये सिंपल सा है क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है, तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो जाता है और ये फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है हम ये रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। और एल इसमें आर की वैल्यू 7 स्क्वायर, हाइट 24 का स्क्वायर, तो ये 749 हो जाएगा और 25 का जो है स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर ना, तो 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 हो जाता है। एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625 और 825 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। तो अब इस एल की वैल्यू आपको 25 मिल गई। जब ये 25 मिल गया तो हम कॉर्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और ये कॉर्ड सरफेस एरिया जो होता है वो जो है जितना सीट रिक्वायर्ड होती है लेवल उसको बनाने के लिए उसके बराबर होगा। तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक वन कैप इक्वल्स टू कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि क्या होता है, पाई आर एल। और इस तरह से आपको कितने कैप की जरूरत है, एक कैप की नहीं जरूरत है, आपको 10 कैप की जरूरत है। एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सच 10 कैप्स, तो 10 कैप्स के लिए 10 कैप्स का तो क्या हो जाएगा, 10 से आपका डिवाइड हो जाएगा 10 इनटू पाई आर एल, ओके 10 इनटू पाई आर एल हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, सबकी वैल्यू रख लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 7 दिया ही है, एल हमने 25 निकाला ही है, तो ये ना हो जाएगा, तो ये 10 into 25 हो जाएगा 55 और एक जीरो मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर की रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, गिवन दैट अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, कितने कोन्स, 50 हॉलो कोन्स जो है ए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड में बना हुआ है, ठीक है, फॉर रिसाइक्लिंग कार्डबोर्ड, ठीक है, रिसाइक्लिंग कार्डबोर्ड से। ईच कोन हैज अ बेस ऑफ डायमीटर, बेस ऑफ डायमीटर इस ट्रायंगल है 40 सेंटीमीटर, तो इसको हमने रेडियस निकाल लिया जो कि 40/2 20 सेंटीमीटर हुआ, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया तो उसके लिए हमने 100 से डिवाइड करने पर ये 0.20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड हाइट इज 1 मीटर, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, इसके बाहर साइड पर हमको पेंट करना है, और कास्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और उसके कास्ट का जो कास्ट आ रही है पेंटिंग का वो 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट कितना आ रहा है, 12 पर
मीटर स्क्वायर. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दीज कोन्स, मतलब 50 सभी कोन्स को पेंट करने में हमें कितना खर्च आएगा उसको हमें बताना है. ठीक है, तो भाई हम पेंट कहाँ करेंगे? पेंट जो है सरफेस एरिया पे, कॉर्ड सरफेस एरिया पे ही करेंगे. तो हमें पहले क्या करना होगा? कॉर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना होगा. तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन का क्या होगा? जितना कि उसका पाई आर एल होगा. अभी एक चीज और, एल हमें मालूम नहीं है तो बल्कि हम एल को निकाल लें तब फिर जो है हम इसकी बात करें. ठीक है, पहले हम एल को निकाल लेते हैं. तो ये आपको आर मालूम ही है और एल और आर में रिलेशन भी मालूम है. एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो ये आर की वैल्यू क्या है? ये 0.20 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 0.02 का ये क्या है? 0.02 का ये, तो 0.2 का अगर स्क्वायर लेंगे तो 0.04 हो जाएगा. 0.2 का स्क्वायर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, और 2 × 2 करेंगे तो 2 डेसिमल बाद लगता है तो 0 बढ़ा देते हैं प्लस 1, तो ये हो गया 1.04. और एल की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.04. और इसका स्क्वायर रूट आपको गिवन नहीं है तो इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे? 1.02 और 1 मीटर. तो आपको स्लैंट हाइट मिल गया. अब जो है आप क्या करोगे कि कॉर्ड सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन क्या हो जाएगा? पाई आर एल हो जाएगा. ठीक है, तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 नहीं 3.14 यूज कर ले वो कह रहा है, तो आप 3.14 यूज करिए. 22/7 वाला नहीं टर्म यूज करिए और 0.2 और एल की वैल्यू जो निकला है वो क्या निकला है? 1.02. ठीक है, तो ये कॉर्ड सरफेस एरिया हो. अब हमें ऐसे कितने कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए? तो 50 चाहिए. तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, ऐसे कितने कोन्स थे? तो 50 × 3.14 × 0.2 × 1.02. ठीक है, कट नहीं मिल रहा है. ओके, तो ये इतना मीटर स्क्वायर है. ठीक है, अब ये कॉस्टिंग की बात हो रही है कि ये 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो रहा है. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल 50 कोन्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल 50 कोन्स, ठीक है, 50 कोन्स इक्वल्स टू, अब आप क्या करेंगे कि ये कि एक एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है? 12 रुपीज. तो ये 12 पूरा इतना मीटर स्क्वायर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 × 3.14 × 0.2 × 1.02 और इस सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा उसको जो है कैलकुलेट करके यहाँ ले, जो कि 384.34 अप्रॉक्स में आएगा और यही आपका आंसर होगा इतना रुपीस के रिक्वायर्ड होगी पेंट करने. ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो है ये एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होता है. कुछ कॉन्सेप्ट जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, जो कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर है, उसका हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, और एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग करेंगे. ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अ स्फीयर क्या होता है? व्हाट इज अ स्फीयर? हाउ कैन यू डिफाइन इट? ओके, अ स्फीयर इज अ 3-डाइमेंशनल फिगर और सॉलिड फिगर, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट
सभी पॉइंट्स, और वो पॉइंट कैसे होंगे, विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जो कि वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस को, कॉल्ड अ रेडियस। फ्रॉम कहां से वो कांस्टेंट डिस्टेंस, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसको हम क्या कहते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये दैट इज ओ इज सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर ओके, और ये क्या है दिस इज अ रेडियस। तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर जो है कांस्टेंट डिस्टेंस का सभी पॉइंट का कलेक्शन जो कि स्पेस में है वो क्या कहलाता है स्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया हम लोग जो है निकालने के लिए फार्मूला करेंगे। ठीक है, तो पहली बात की सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, ये जो होता है 4πr² पाई आर स्क्वायर सर्किल का होता है। ऐसा मानना है कि चार सर्किल को अगर जोड़ उसकी सर्फेस एरिया को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो पूरा आपका टोटल सर्फेस एरिया आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो क्या होता है 4πr². अच्छा, अब इसी तरह से अगर हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर का फिगर कैसे होता है जरा इसको देख लीजिए, दैट इज अ हेमिस्फीयर ओके, ये आपका रेडियस है, ठीक, दैट इज अ रेडियस। तो अब ये सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर, अब ये पूरी सरफेस एरिया स्फीयर का क्या है आधा, तो हम इसको भी क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो ये 4πr² / 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2πr². ठीक है, अब रही बात की हेमिस्फीयर का, अगर हम टोटल सरफेस एरिया अगर जानना चाहें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, तो उसका भी देख लीजिए भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का तो 2πr² था। अब ये आपका क्या बचेगा, ये एरिया ऑफ सर्किल है इसका भी एरिया आपको छोड़ देना होगा, ठीक है ना, तो ये 2πr² और प्लस πr² कर देंगे, ये आपका टोटल हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 3πr², ठीक है 3πr², तो इस ये तीन फार्मूले मेन है जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस पूरे फार्मूले को या जितने भी अभी तक के जितने फार्मूले यूज हुए हैं उस सभी को लर्न होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, फिर क्वेश्चंस को आप जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जो है नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज 13.4 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके नाउ